ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હજી પણ 12 જુલાઈ સુધી ભારે થી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેને લઈ વહીવટી તંત્ર પણ અત્યારે સતર્ક થયું છે। રાજ્યમાં દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં એનડીઆરએફની ટીમો છે તે તૈનાત કરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત નીચાણવાળા વિસ્તારોને પણ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। આજની જો વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી છે। ગીર સોમનાથ, દ્વારકા, વેરાવળ સહિતમાં પણ મેઘરાજા અત્યારે મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે। દ્વારકામાં તો વરસાદને લઈ કલેક્ટર ઘરની બહાર કામ વિના ન નીકળવાની અપીલ કરવામાં આવી છે। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને લઈ જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયો છે। આ સાથે જ જિલ્લાના અનેક ગામમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ પણ દ્વારકામાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હાલના જિલ્લાના નીચાણવાળા વિસ્તારો પર તંત્ર નજર રાખી રહ્યું છે। જો જરૂર પડે તો અન્ય સ્થળે ખસેડવાની પણ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે। में काफी मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का संभावना है और कहीं कहीं जगहों में हेवी बारिश, मतलब 7 सेंटीमीटर से ऊपर, और वेरी हेवी मतलब 12 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक को वेरी हेवी बोला जाता है, और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो बोला जाता है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल जहाँ होता है अगले 24 घंटे में, 24 आवर्स में, जो 24 आवर्स में 20 सेंटीमीटर से जो ज़्यादा रेन होता है तभी हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल उसको बोलते हैं। तो अगले 5 दिन में गुजरात स्टेट में वार्निंग है, हेवी रेनफॉल वार्निंग में वार्निंग है, हेवी टू वेरी हेवी है, इवन एक्सट्रीमली आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग भी है। मोस्टली जो ज़्यादा रेनफॉल जो रहेगा कोस्टल सौराष्ट्र में और साउथ गुजरात रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होने का संभावना है, और हेवी से वेरी हेवी भी आज हमारा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है बलसाड़, नवसारी, दामन, दादरा नगर हवेली में, और हेवी से वेरी हेवी जैसे डांग, तापी, सूरत में हो सकता है, भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, दाहोद, इसमें आइसोलेटेड हेवी रेन हो सकता है। सौराष्ट्र कच्छ में देखा जाए तो वेरी हेवी रेनफॉल गिर सोमनाथ, दीव, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका में होने का संभावना है, और हेवी रेनफॉल अमरेली, राजकोट, जामनगर, इवन भावनगर में भी हो सकता है। कच्छ में भी हेवी रेन होने का संभावना है, और डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में भी हेवी टू वेरी हेवी और कभी कभी एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। और अगले 5 दिन के लिए पूरे गुजरात कोस्ट के लिए वार्निंग है, फिशरमैन वार्निंग है, स्कली वेदर रहेगा, बारिश रहेगा, और विंड 40-50 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है कोस्ट में, दरिया में होने का संभावना है। अहमदाबाद में क्या रहेगा? अहमदाबाद में लाइट टू मॉडरेट रेन होने का संभावना है, मोस्टली अब दोपहर का बाद अहमदाबाद में बारिश होने का संभावना है।